नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार में आईटी कंपनियों का 200 करोड़ का निवेश। 15 कंपनियों का बिहार में निवेश करने के लिए हस्ताक्षर। 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का समापन आज। फाइनल में भारत और चीन की टक्कर। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री की होगी उपस्थिति। सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 1,14,138 अभ्यर्थी बने विशेष शिक्षक। सीएम ने ट्रांसफर पर भी कही बड़ी बात। बिहार में वायु प्रदूषण नियंत्रण की पहल। डीएम को वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की जिम्मेदारी। जिलों को वायु प्रदूषण पर एक्शन प्लान बनाने का निर्देश। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज की तैयारी। सूर्य कुमार यादव करेंगे भारत की कप्तानी। टी20 में बुमराह और पंत की वापसी। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना सदर अनुमंडल की पूर्व DCLR मैथ्री सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने स्थानांतरण के बाद सरकारी दफ्तर में महंगे सोफा, टेबल और अन्य सामग्री चुपके से ले ली। जांच में पता चला कि CCTV कैमरे का DVR भी खोल दिया गया था ताकि घटनाक्रम की तस्वीर कैद ना हो सके। कर्मचारियों ने बताया कि 23 अक्टूबर को इनोवा गाड़ी में महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें ले जाई गई हैं। जाँच में यह भी सामने आया कि कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ भी की गई और एक डेट में आदेश जारी किए गए थे। इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का आज समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि होंगे और विजेता टीम को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका मुकाबला चीन से होगा। यह मुकाबला शाम 4:45 से खेला जाएगा। टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने टीम का नेतृत्व बेहतरीन तरीके से किया। इस टूर्नामेंट से बिहार में हॉकी के खेल को बढ़ावा मिला है। समारोह में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित होंगे। बिहार में विभिन्न सेक्टर की कंपनियां 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगी, जिसके तहत 15 कंपनियों ने निवेश इंटेंट फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। बीते दिन मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार की नई आईटी नीति के तहत बैठक आयोजित की, जिसमें 40 से अधिक कंपनियों के CEO और VP शामिल हुए। बिहार आईटी नीति 2024 के तहत 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की उम्मीद है। इस नीति का उद्देश्य राज्य में तकनीकी उन्नति, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सरकार आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न शहरों में बैठकों का आयोजन कर रही है। बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी जिलों के DM को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने जिलाधिकारियों से वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। हाल ही में एक बैठक के दौरान वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति और उसके समाधान के प्रयासों की समीक्षा की गई। दिवाली के बाद बिहार के कई शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के पार पहुंच गया है, जिससे हवा जहरीली हो गई है। जिलों को क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना बनाने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार में अब 5 करोड़ रुपए तक के निवेश प्रस्तावों पर उद्योग विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में इस पर सहमति बनी है और यह निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू होगा। अगर कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो अब औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता उद्योग विभाग के सचिव करेंगे। इससे छोटे निवेश जैसे प्रस्तावों पर समय पर निर्णय लिया जा सकेगा, जिनमें पहले अनावश्यक देरी होती थी। IT और पर्यटन विभाग की तरह उद्योग विभाग को भी निवेश प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। इस निर्णय से निवेश प्रक्रिया में गति आएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित एक समारोह में 1,14,138 नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने 200 शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, जबकि बाकी को उनके जिले में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त शिक्षकों में 98,349 प्रारंभिक शिक्षक, 12,524 माध्यमिक शिक्षक और 3,265 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। नीतीश कुमार ने यह भी ऐलान किया कि शेष 85,609 शिक्षक सामान्य परीक्षा के बाद विशेष शिक्षक बनेंगे। उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित यह भी सुनिश्चित किया कि सभी शिक्षक अपने वर्तमान कार्यस्थल पर ही रहेंगे, जिससे पदस्थापन और स्थानांतरण से संबंधित समस्याओं का समाधान हुआ है।
बिहार के शिक्षक विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें 7221 स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। यह चौंकाने वाला खुलासा यूडायस रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान हुआ। यूडायस रिपोर्ट में स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों का विस्तृत डेटा दर्ज होता है, जिसमें शिक्षकों के नाम, योग्यता, अनुभव आदि शामिल होते हैं। इस मामले को विभाग गंभीरता से ले रहा है। विभाग को आशंका है कि कुछ शिक्षक स्कूलों में पहुंचे ही नहीं हो और उनका वेतन गलत तरीके से निकाला जा रहा हो। मुजफ्फरपुर सहित 11 जिलों में यह लापरवाही अधिक पाई गई, जिन्हें येलो जोन में डाला गया है। शिक्षा विभाग ने इन जिलों के अधिकारियों से जवाब मांगा है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। एसएससी एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया है। पूर्णिया के ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर छापेमारी के दौरान फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ, जिसमें सेंटर के मालिकों रोशन मंडल, विवेक सिंह और राहुल राज का नाम सामने आया है। इन तीनों ने फ्लाइंग ऑब्जर्वर इजहार आलम की मदद से 3 लाख रुपये में सेंटर हासिल किया था। हर कैंडिडेट से 10 लाख रुपये की डील हुई थी, जिसमें 5 लाख पहले और 5 लाख मेरिट लिस्ट के बाद देने थे, जबकि एग्जाम में बैठने के लिए फर्जी कैंडिडेट को 80 से 1,50,000 तक दिए जाने थे। सेंटर स्टाफ की मदद से फर्जी कैंडिडेट को एग्जाम में बैठाया गया था और आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में छेड़छाड़ की गई थी। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नया कानून लाने जा रहे हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने इस संबंध में घोषणा की और कहा कि इस नए कानून से भूमि सर्वे में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। जल्दबाजी में किसी मामले को रद्द नहीं करें। जिस अंचल के मामले लंबित रहेंगे, वहाँ के राजस्व पदाधिकारी दंडित किए जाएंगे। भूमि विवाद की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग हर संभव उपाय कर रही है। मंत्री ने बताया कि सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित अवधि में और न्यायपूर्ण तरीके से करने की हिदायत दी गई है। साथ ही विभाग में गड़बड़ी करने वाले 37 सीओ को निलंबित किया गया और 82 अंचलाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंत्री ने अधिकारियों को अपनी सेवा पुस्तिका विभाग में जमा करने का भी आदेश दिया है। दानापुर में बीते दिन मंगलवार को पुलिस ने एएसपी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान गोला रोड टी पॉइंट मोड़ पर बिना नंबर प्लेट वाली एक लग्जरी कार से 19 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। पुलिस ने कार सवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी ने बताया कि वह एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है और पैसे कंपनी के हैं। इस संबंध में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिली है। पुलिस ने आगे भी चेकिंग अभियान जारी रखने की बात कही है और इस पर जांच जारी होगी। बिहार में बाढ़ से प्रभावित 3,52,217 किसानों ने कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन किया था, लेकिन 24,000 आवेदन कृषि समन्वयकों के पास अटके हुए हैं। इन आवेदनकर्ताओं को मुआवजा प्राप्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। अब तक 2,25,007 किसानों को ADM स्तर से इनपुट अनुदान मिल चुका है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कीट व्याधि का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे दलहनी फसलें बर्बाद हो रही हैं। कृषि विभाग ने किसानों के लिए कीटनाशी दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने और ड्रोन से छिड़काव करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक यह नहीं किया गया है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है और इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया है कि दोनों राज्यों में NDA की जीत होगी। उन्होंने झारखंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार न करने को गठबंधन में मतभेद से नहीं जोड़ा और कहा कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुशवाहा ने महाराष्ट्र के कैश कांड मामले में BJP के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष के आरोपों से कुछ नहीं होता और सच सामने आ चुका है। उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वास जताया कि NDA की सरकार ही बनेगी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक बीते दिन मंगलवार को पशुपति पारस के आवास पर हुई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज और अन्य नेताओं ने भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। पारस ने बताया कि पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को सशक्त बनाने की तैयारी कर रही है और अगले महीने से बिहार में दौरे शुरू करेंगे। सूरजभान सिंह ने कहा कि 2025 चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। बैठक में पार्टी की रणनीति और संगठन विस्तार पर भी चर्चा की गई।
विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने बक्सर में संकल्प यात्रा 3.0 के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उनकी पार्टी के विधायकों को खरीद कर उनके विकास को रोका है। सैनी ने अपने संघर्ष को याद करते हुए कहा कि वह समाज के अधिकारों के लिए पिछले 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प लिया और कहा कि यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो उप मुख्यमंत्री किसी पिछड़े वर्ग से होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 22 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी सूर्यकुमार यादव करेंगे। इस सीरीज में यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी हो रही है, जिससे संजू सैमसन को ओपनिंग से मिडिल ऑर्डर में स्थान मिल सकता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत की भी वापसी हो सकती है। भारतीय टीम के संभावित 17 सदस्यीय स्क्वाड में यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, रियान पराग, हार्दिक पांड्या, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती जैसे प्रमुख खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नौशाद रजा, कौशलेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, सुकांत शंकर, अर्जुन राम, जितेंद्र ठाकुर, राजेश मांझी और राम बाबूदास। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि क्या आपको लगता है कि IT कंपनियों के निवेश से बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दर में कमी आएगी? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।